हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में जहाँ पे हम आज बात करेंगे क्रिकेट के कुछ मज़ेदार किस्सों की। तो सबसे पहले बात करें तो हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 15 सदस्य ही टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और साथ ही उन पर परफॉर्मेंस का भारी प्रेशर भी है। एक गैर मज़ेदार तथ्य यह भी है कि 1932 में अपने अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण के बाद से अब तक 90 वर्षों में 1167 खेलों में सिर्फ 609 खिलाड़ियों ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है। अगर इंडिया में क्रिकेट की बात करें तो इंडिया में क्रिकेट हैंडल बीसीसीआई करता है, जो कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसके अंडर नेशनल टीम आती है मेंस एंड वुमेन। उसके अलावा अंडर 19, जिन्होंने अपना पहला खेल 1721 में खेला था। हमारे यहाँ पे 38 क्लब हैं प्रथम श्रेणी के और 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं प्रथम श्रेणी क्रिकेट की होती हैं, जिसमें रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी भी शामिल है। कहने का मतलब यह है कि मोटे तौर पर 7 क्रिकेटर ही इंडिया कैप कमाते हैं हर साल, और यह सफर एक ऐसा सफर है जिसमें हजारों लाखों युवाओं के साथ शुरुआत होती है और अपनी मंजिल तक सिर्फ कुछ युवा ही पहुंचते हैं। इसके विपरीत आप एक अच्छी लॉटरी जीतने के ज्यादा हकदार होंगे बजाय इस खेल में शामिल होकर इसकी मंजिल तक पहुंचने के। आंकड़ों की अगर बात करें तो अधिकांश क्रिकेटर मुश्किल से स्कूल, कॉलेज और अकेडमियों के प्रशिक्षण प्रोग्राम से ही बाहर हो जाते हैं। उनके सपने केवल एक अफसोसजनक एग्जाम्पल की तरह हमारे सामने सुनने को मिलते हैं। अगर रजिस्टर्ड क्रिकेटर की बात करें तो भारत में 3 मिलियन रजिस्टर्ड क्रिकेटर हैं, जो कि 17,000 प्लस टूर्नामेंट में खेलते हैं, और भारत में लगभग 3,000 प्लस स्थानों पर क्रिकेट खेला जाता है, जो कि एक दिलचस्प आंकड़ा है भारतीय क्रिकेट को समझने के लिए। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कोर्स की जो क्रिकेट के साथ हमें जोड़े रखता है। एक क्रिकेट अंपायर एक क्रिकेट मैच में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों में से एक है। हालांकि भारत में क्रिकेट अंपायर बनने के लिए आपको पहले अपने संबंधित राज्य क्रिकेट संघ के साथ पंजीकरण करना होगा और उसके साथ साथ एक रिटन एंड ओरल एग्जाम भी पास करना होगा। बीसीसीआई के साथ अंपायर बनने के लिए आपको पहले स्थानीय क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग करनी होगी और फिर बीसीसीआई लेवल 1 एंड लेवल 2 की परीक्षा पास करनी होगी। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि क्या अंपायर बनने के लिए आपका एक क्रिकेटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट की। तो भारत में अंपायर बनने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हालांकि क्रिकेट के सभी रूल्स को सीखने के लिए आपको पढ़ने और लिखने में सक्षम होने चाहिए हो। यदि कोई एक अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बन जाता है, जो कि करियर के रूप में इसे बढ़ाने का अंतिम लक्ष्य होता है, तो आपको इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। बात करते हैं थ्योरी एग्जाम की। तो इसके लिए आपको 42 क्रिकेट रूल्स की गहन समझ की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राज्य खेल संगठन जैसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कंडक्ट लिखित एग्जाम पास करने की जरूरत होती है। उस एग्जाम को पास करने के बाद आप बीसीसीआई द्वारा कंडक्ट एग्जाम देने के हकदार हो जाते हैं, जो कि आपको अंपायरों के रूप में शामिल होने के लिए बीसीसीआई की तरफ एक मजबूत कदम के रूप में देखा जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल स्टेमिना की। एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आप बैटिंग करते समय आराम कर सकते हो, लेकिन एक अंपायर होने के नाते आपको मैदान पर रहना ही पड़ेगा, चाहे कोई टीम बैटिंग कर रही हो या बॉलिंग कर रही हो। नतीजतन एक अंपायर को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। फिटनेस का मतलब केवल मैदान पर लंबे समय तक खड़े रहना नहीं, इसमें अच्छी आईसाइट, सुनने की क्षमता होना भी शामिल है। किसी बैट्समैन को आउट किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए आपका सुनना और देखना बहुत जरूरी है। एम्पायर के पास एक और गुण होना चाहिए, जो लंबे समय तक कंसंट्रेट करने की क्षमता रखता है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्किल्स की जो एम्पायर बनने के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले बात करें तो साउंड डिसीजन की। यह एक तरह से एक क्रिकेट एम्पायर बनने का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभाओं में से एक है। अंपायर के दबाव में उचित निर्णय लेने की क्षमता उसकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें खराब फैसले की, तो यह अंपायर के करियर के साथ साथ मैच के नतीजों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि
न केवल आपको सही निर्णय लेना है बल्कि उसे जल्दी भी करना चाहिए। अंपायर के पास बल्लेबाज को आउट करने या ना करने का फैसला लेने के लिए केवल कुछ सेकंड का समय होता है और एक एम्पायर के पास कुछ घंटे लेने या रिप्ले देखने का भी सुविधा नहीं होती। दूसरी स्किल की बात करें तो मल्टीटास्क। एक एम्पायर का कर्तव्य अक्सर नो बॉल, वाइड बॉल और एक बल्लेबाज को आउट की दिया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करने तक ही सीमित माना जाता है। यह हालांकि यह एक लिमिटेड समझ है। एक एम्पायर को आमतौर पर कई प्रकार के कार्य करने को कहा जाता है। तीसरे नंबर की बात करें तो इंटरपर्सनल स्किल्स। इसमें कई खिलाड़ियों के समन्वय की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि समय समय पर टीम के सदस्यों या प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ियों के बीच कुछ डिफिकल्टीज उभर सकती है, तो यह क्रिकेट एम्पायर की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी परिस्थितियों को संभाले और इस बात की गारंटी दे कि खेल भावना बनी रहे। अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट एम्पायर कैसे बने। तो सबसे पहले चरण की बात करें तो एम्पायर बनने की प्रक्रिया आपके स्टेट क्रिकेट संघ से शुरू होती है। प्रत्येक राज्य के गवर्निंग बॉडी को स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन कहा जाता है, जिसे मिनी बीसीसीआई के रूप में भी माना जाता है। उससे संपर्क करके आप उसके द्वारा कंडक्ट की गई परीक्षाओं की जानकारी ले सकती हैं, जो समय समय पर राज्य क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कंडक्ट कराई जाती है। दूसरे चरण की बात करें तो ज़्यादातर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन आपको एक 4 डे एम्पायर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंडक्ट कराती हैं, जिसमें आपको सभी जरूरी ट्रेनिंग और इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। इस ट्रेनिंग में पहले 3 दिन आपको प्रोग्राम के बारे में ट्रेनिंग और नॉलेज ट्रांसफर की जाएगी, वह 4th डे आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। टेस्ट में बेसिकली एमसीसी लॉज यानी कि क्रिकेट की 42 लॉज के बारे में आपको अच्छी तरह समझ होना बहुत जरूरी है। इस तरह से सर्टिफिकेशन परीक्षा को 3 राउंड में विभाजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट थ्योरी होता है और जो थ्योरी पार्ट क्लियर कर लेता है उनका प्रैक्टिकल एंड ओरल क्वेश्चनिंग का दूसरा और तीसरा राउंड होता है। इन सभी को राउंड को पार करने के बाद आप उस स्टेट क्रिकेट संघ के साथ जुड़ सकते हैं एक एम्पायर के रूप में। तीसरे चरण की बात करें तो आपका सर्टिफिकेशन परीक्षा पास करने के बाद आपको स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा कंडक्ट किए गए मैचों में अंपायरिंग करने का मौका मिलता है, जहाँ पे आप एक अंपायर के रूप में निर्णय लेने के अलावा मैच रिपोर्ट द्वारा आपके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है, जो हर मैच के अंत में रिकॉर्ड किया जाता है। आपको प्रदर्शन के आधार पर 2 से 3 साल के लिए एम्पायरिंग के रूप में काम करना पड़ सकता है। वह आपको जब एक नियमित रूप से प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे तो आपको बीसीसीआई स्तर 1 परीक्षा के लिए पहचाना जाएगा। चौथे चरण की बात करें तो आपको एम्पायर बनने की दिशा में अगला कदम बीसीसीआई लेवल 1 की परीक्षा है। बीसीसीआई लेवल 1 परीक्षा देने के योग्य होने के लिए आपको एक इंटरनल स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। बीसीसीआई लेवल 1 परीक्षा के चुने जाने के बाद आपको बीसीसीआई के लेवल 1 कार्यक्रम में शामिल होना होता है और उसमें भाग लेना होता है। उसके बाद आप थ्योरी एग्जाम पास करके ऑटोमेटिकली बीसीसीआई के लेवल 2 परीक्षा के योग्य हो जाते हो। अब बात करते हैं लेवल 2 बीसीसीआई एग्जाम की, जो कि 5वां और अंतिम चरण है। बीसीसीआई लेवल 1 रिफ्रेशर कोर्स पूरा करने के बाद आप लेवल 2 परीक्षा में बैठने के योग्य हो जाते हो, जो कि आपको 1 साल के भीतर भीतर करना होता है। बीसीसीआई लेवल 2 की परीक्षा भी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, जो कि थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड ओरल होते हैं। यदि आपने बीसीसीआई लेवल 2 परीक्षा पास की तो आप बीसीसीआई एम्पायर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। इसका मतलब है कि आप बीसीसीआई द्वारा आयोजित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मैचों में अंपायरिंग करने के लिए सक्षम होंगे। हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल बी प्रोफेसिया। थैंक यू।